नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज हम ग्राम नवलपुरा, ग्राम पंचायत दौलपुरा, तहसील मंडलगढ़, जिला भिलवाड़ा के ग्राम नवलपुरा के श्री मोड़ेलाल जी धाकड़ के फार्म पे आए हैं। साथियों, आज हम जानेंगे कि इन्होंने पपीता की प्रेरणा कहाँ से लेगी और इन्होंने बगीचे में कौन से पौधे की वैरायटी लगी हैं और वैरायटी के साथ साथ साथियों इन्होंने पूरा बगीचा कैसे मेंटेन किया, जानेंगे इनसे। तो साथियों, जैसे कि मोड़ेलाल जी ने बताया कि इन्होंने रेडी 786 वैरायटी का सिलेक्शन किया है, जैसे कि आप देख सकते हो प्रत्येक पौधे में काफ़ी फल लगा हुआ है। साथियों, इन्होंने बताया कि इन्होंने शुरू से ही संजीवनी वर्मी कंपोस्ट, जो कि केचो खाद आता है, उसका इस्तेमाल किया है। साथियों, संजीवनी वर्मी कंपोस्ट की खासियत यह है कि उसमें केचो खाद तो होता ही है, साथ ही साथ उसमें ट्राइकोडर्मा, एक जैविक फफूंदनाशक है, वह भी मिक्स होती हैं, जिसके कारण साथियों पपीता की पौधों में नहीं तो जड़ गलन रोग लगा, नहीं तना गलन रोग लगा है। साथियों, ट्राइकोडर्मा एक ऐसी दवा है जो कि 7 प्रकार की फफूंदनाशक दवाओं को, फफूंदनाशक डिजीज को ख़त्म करती हैं। साथियों, इसके अलावा हम अब जानेंगे कि मोड़ालाल जी ने कहाँ से प्रेरणा ली और कितने पौधे हमारे इस बगीचे में लगाए हों और इन्होंने कौन से फर्टिलाइजर, क्या रासायनिक फर्टिलाइजर भी काम लिया। तो मोड़ालाल जी, सबसे पहले आप हमारे किसानों को परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं मुरराम धाकड़। मैंने पपीते की खेती करने का तरीका मतलब यूट्यूब से सीखा है। इसमें मैंने खुद पे इस रेड एडी 786 का पैकेट मंगवा कर घर पे बाजार किया इसका, जिसमें एक बीघे में लगभग 250 पौधे लगाए मैंने 7x7 की दूरी में। और इनमें शुरू से मैंने जैविक संजीवनी वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहा हूँ, जिसमें क्या ट्राइकोडर्मा है ये पैकेट और नीम की पत्तियाँ उसके मिक्स आती है, जो इसमें पौधों में ये फायदा होता है कि इसमें अपना जड़ गलन रोग, तना गलन रोग और जो भूमि की बीमारी है वो इसमें नहीं लगती है। और शुरू से अच्छा रिजल्ट निकल रहा है इनको, आप देख सकते हो भाई, एक पौधे में तकरीबन आपके 1 क्विंटल माल के लगभग है इसमें। और अभी इसमें फूल चल रहे हैं जो और ऊपर आएंगे इसमें शुरू से। और बीमारियों को रोकथाम के लिए मैंने घर पर ही तैयार नीम तेल और नीम ये चाच का खड्डा तैयार करके इसमें छिड़काव किया हूँ इसलिए। और किसी के भी मतलब जैविक पपीता चाहिए ठेके में तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 800031-8093। और सर से मैंने प्रेरणा लेके बगीचा चल रहा है और सर बताएंगे इसमें। तो जैसे कि साथियों मोड़ेलाल जी ने बताया कि इन्होंने यूट्यूब से प्रेरणा लेकर के इतना बड़ा बगीचा खड़ा कर दिया है। तो साथियों, अगर किसान ठान ले तो वह अपनी कमाई को दुगना कर सकता है। जैसे कि साथियों इन्होंने नवाचार अपनाया है, पहले ये गेहूं की खेती करते थे, सरसों की खेती करते थे, मक्का की खेती करते थे, लेकिन आज इन्होंने एक बीघे में पहली बार इन्होंने। तो किसान साथियों, ये थे हमारे प्रगतिशील किसान श्री मोड़ेलाल जी धाकड़। साथियों, ये है रेड डेडी ताइवान 786 वैरायटी। साथियों, अगर आप किसी को भी अगर पपीते की खेती में इंटरेस्ट है तो आप मोड़ेलाल जी धाकड़ से संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी व्यापारी को पपीता की थोक में खरीदारी करनी है तो भी आप मोड़ेलाल जी हमारे प्रगतिशील किसान से संपर्क कर सकते हैं, जिनके नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।